उनका इतना ही शुक्रिया अदा करते हैं हम कि वो हमारे पास आए नुकसान देखने के लिए, टिड्डी देखने के लिए, उनका वही शुक्रिया अदा है। और वो उनके पास कोई चीज़ नहीं है, वो हमारे MLA हैं, इसकी तरफ उनका फर्ज है, वो पूरा किया है उन्होंने। अच्छा। कोई कांग्रेस का नेता, कोई BJP की सरकार है, उनका अधिकार बनता है भी, कोई मोटा अधिकारी गाले हम और गाले, कोई चीज़ नहीं आती। आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदौरा। टिड्डी दल पिछले काफ़ी दिनों से चोपटा क्षेत्र में दस्तक दे चुका था और यहाँ के जो किसान थे वो बड़े परेशान थे। इसी वजह के चलते जो एलाहाबाद के विधायक है अभय सिंह चौटाला ने यहाँ का दौरा किया है। हम जिस स्थान पर खड़े हैं ठीक उसी खेत में अभी अभी अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पर पहुँच करके किसानों का हाल चाल जाना है, किसानों से बात की है और उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि जो आपको नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए वो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से मिलकर के हर संभव निपटान करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही इस बारे अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि जो टिड्डी दल संभावित जो क्षेत्र है वहां पर मैं पहुंच करके जो किसानों को परेशानी आ रही है टिड्डी दल के कारण उसका निपटान करने का काम करेंगे। में खड़े हैं अभी अभी एलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर किसान भी है इस खेत में, आइए इनसे बात करते हैं कितना का नुकसान हुआ है और अभय सिंह ने क्या आश्वासन दिया आपको। उन्होंने कहा है जो नुकसान हुआ उसकी मैं जी जान से भरपाई करूँगा। पहली बात तो ये है जी, वो भरपाई करें या ना करें उनके पास कोई सरकार नहीं है, उनका इतना ही शुक्रिया अदा करते हैं हम कि वो हमारे पास आए नुकसान देखने के लिए, टिड्डी देखने के लिए, उनका वही शुक्रिया अदा है। और वो उनके पास कोई चीज़ नहीं है, वो हमारे MLA हैं, इसकी तरफ उनका फर्ज है, वो पूरा किया है उन्होंने। अच्छा। और वो आश्वासन देकर देंगे भी पूरा भरपाई कराएंगे। अच्छा। और दूसरी बात है, कोई कांग्रेस का नेता, कोई BJP की सरकार है, उनका अधिकार बनता है भी, कोई मोटा अधिकारी गाले हम और गाले, कोई चीज़ नहीं आती। बाकी बनता ये है कि वो वीडियो है वो सरकार की तरफ गाले हुए, सरकारी महकमा है, कोई कृषि विभाग है, वो 500 लीटर में 500-600 ml दवाई देते हैं हमें। 600 ml में कोई असर नहीं होता टिड्डियों के। क्यों? पहली बात है, जिकी चीज़ का असर होता है जी, नॉर्मल दवाई, जिकी खून हुआ है या पानी हुआ है, इनके अंदर कोई पानी नहीं है, कोई खून नहीं है, सिर्फ पाँख है, एक हड्डी है जी। इनके अंदर जितनी ज़्यादा मात्रा में दवाई गिरी जाए उतनी में है, हमें देखा है वहाँ रिजल्ट, ADO साहब से देखा हूँ, 1 लीटर दवाई गिर कर 3 डोलों में ट्राई मारी, उनसे मरी है। जो रामपुर ढिलो ट्रैक्टर बुलाए हमने, वो रामपुर ढिलो के ही नज़दीक दवाई गिर कर चली गई, आधो लीटर, उनसे कोई असर नहीं हुआ जी। ये कहते हैं हमें तो सरकार कह रही है 600 ग्राम गिरना है, कृषि विभाग कह रहा है हमें 600 ग्राम गिरना है, फसल नष्ट है। ये है जी, इनमें क्या फसल को नुकसान है जी, टिड्डी खाएंगी तो फसल कहाँ बचेगी जी। फिलहाल फिलहाल हम जिस खेत में खड़े हैं, हाँ, कितना का नुकसान हुआ है ये जी? इब देख रहे हैं यहाँ पे 90% से ज़्यादा नुकसान है आपके सामने है, गिनती के बुंटे बचे, इनमें पानी लगाकर DAP बीज कर फिर बाजरा बीज हुआ जी। अब आपको दिखा रहे हैं, ये बाजरा इतना बड़ा था, ये देख लीजिए, इनके साथ का बाजरा था। अच्छा जी। हाँ अच्छा जी। ये बाजरा है नहीं, इनके साथ का बाजरा था। अच्छा, आपके सामने है जो बूटे गिनती के, बिल्कुल नहीं बचा। हाँ बिल्कुल नहीं। तो अभय सिंह चौटाला के प्रति कितना भरोसा है, क्या वो जी आवाज़ उठाएंगे? हाँ आवाज़ उठाएंगे जी, वो हर बार उठाते हैं एलाहाबाद हल्के की, हर चीज़ की आवाज़ आए जो उन पर और ज़्यादा भरोसा है, वो संभालने के लिए है नहीं, हमें और पूरा भरोसा है कि वो आवाज़ उठाएंगे भी, गिराएंगे हमें मुआवजा। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, हाँ, तो टिड्डियाँ कब यहाँ पर आई और कब यहाँ से? टिड्डियों को वैसे तो हो गया जी 1 हफ्ता जी, राजस्थान साइड से आती उन पास रह जाए, नुकसान नहीं है। 3 दिनों में नहीं, हमारे टिड्डियों ने पूरा पड़ाव कर रखा है, हमारे कंठ बैठ रहे हैं लोगों के मारता हुआ और करते हुए। अच्छा, टिड्डियाँ कहाँ से आई? टिड्डियाँ जी राजस्थान साइड से आई। अच्छा, अभी रुक किया है टिड्डी जी, इस साइड में राजस्थान खचवाना है हमारे पास नज़दीक, इस साइड में चली गई, बची हुई वह बरवाली निठाना उस साइड में चली गई है। चलो, अब टाइम उनका निश्चित नहीं है, वो आज या 1 घंटे में हमें को निकल तक। अच्छा जी। हाँ जी, यहाँ पर एलाहाबाद के विधायक है, जो आपकी फसल का नुकसान हुआ है उस नुकसान को देखने के लिए आपके बीच में आए, कितना का भरोसा मानते हो, क्या कोई उम्मीद? उम्मीद तो जी आए चल गए तो उम्मीद तो है जी, बड़ी भारी उम्मीद है जी। जी कैसे हाँ। बताएं थोड़ा जी, ऐसे अभी देख के गए हो, गाड़ी उतर के आए हैं तो मुआवजे तो खुद चल के आए हैं जी, जरूर भी मुआवजा माने है भी, आस भी मिलेगा, आस वहाँ पर ही है जी, अभय सिंह पर ही है जी, एक रास के कुछ से भी इतनी आया है जी। अच्छा, वहाँ पर आस है और कोई कमी है। अच्छा, अगर हम फसल के नुकसान की बात करें तो कितना का नुकसान आप मानते हैं? बाजरे खेत में जी देख लो खाली कर दिया जी, छोटी बाजरी बात साफ ही कर दी जी। अच्छा, अभय सिंह ने कोई आपका हालचाल जाना है, आपसे पूछा है कितना नुकसान हुआ है कितना का नहीं, तो आपने फिर क्या बताया? मैं जी और एक पुट की बाजरी जी साफ कर गई तो हालचाल तो
आप खुद देखे आप आंखों से देखे अभी वाकई में है। अच्छा भी नुकसान तो है जी, आप कह गए अभी बोल गए अभी नुकसान वाकई में नुकसान है। खेत देखने जो नुकसान हुआ है वो खुद चल कर आए जी। बिल्कुल, इन किसानों का कहना है कि इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह ने उनके खेतों का दौरा करके उनका हाल चाल जाना है। बेशक वो सरकार में न हो लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि हमारा MLA हमारा दुख सुख जानने के लिए हमारे बीच में पहुँचा, वो हमारे लिए काफ़ी है। और अभय सिंह ने इन किसानों को आश्वासन दिलाया है कि वो जो किसान को नुकसान हुआ है वो हर संभव प्रयास करेंगे कि इस नुकसान की भरपाई की जा सके और किसानों को किसी प्रकार की कोई हताशा का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अभिमन्यु के साथ मैं विक्रम इंदौरा गुसाइना।